हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला, जो कि है बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत हेल्थफुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हमें लेनी है एक कटोरी दाल, और इसे मैंने सॉक करके रख लिया है 4 से 5 घंटे, और इसे अब हम ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। चार से पांच हरी मिर्ची ली है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, और इसमें सारी दालें हम डाल देंगे और अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेंगे इसका हम। और बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी बहुत टेस्टी बनता है, और बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है मूंग दाल का चीला। हल्का फुल्का सा एक नाश्ता है ये। इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया है, इस तरीके से ये हो गया है। इसे अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप, और इसे फिर से हम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये बन के रेडी हो चुका है, इसे अब हम एक बाउल में निकालेंगे। इस तरीके से एक बाउल लेना है और सारा बैटर हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये अभी थिक है, इसलिए अभी हम जो जग में हमारी थोड़ी बहुत दाल है जार में हमारे, उसको हम धो के इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। तो ये थिक बहुत है, तो हमें इसे बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना के बैटर रेडी करना है। इस तरीके से डाल देंगे और इसे काफ़ी अच्छे से हम फेंट लेंगे। ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, बहुत सादा सिंपल सा है ये नाश्ता, मूंग दाल का चीला बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। ज़रूर एक बार ट्राई करें। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। इस तरीके से स्मूथ बैटर होना चाहिए, और अच्छे से अभी से हम फेंट लिया है मैंने इसे। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, जितना आपको स्वाद के हिसाब से चाहिए उतना नमक डालना होगा आपको। मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून नमक, और अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे इस तरीके से। ऐसा बैटर होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब हमने एक तवा रखा है, और ये मैं आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि नॉन स्टिक पे तो सभी बना लेते हैं, आयरन तवे पे नहीं बना पाते हैं बहुत से लोग। तो हल्का सा घी लगा के उसे पोंछ लेना है, फिर हल्का सा पानी छिड़कना है तवे पे, तो वो पूरा नॉन स्टिक तवा बन के तैयार हो जाता है। अब इसके ऊपर हम जो हमने बैटर बनाया है उसे डाल देंगे, मूँग दाल के बैटर को, और अच्छे से हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से फैला देंगे। और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। 4 से 5 मिनट तो नहीं, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, हो जाएगा रेडी। लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है इसको, और हल्का सा घी लगाएंगे ताकि स्वाद अच्छा आता है और जल्दी से ये निकल जाता है। तो आयरन के तवे पे भी आप बना सकते हो, बहुत इजी है बनाना, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इसे अब हम साइडों से निकालेंगे हल्का हल्का करके, धीरे धीरे से, क्योंकि ये पकना स्टार्ट हो चुका है पूरे अच्छी तरीके से। आपको दिख ही रहा होगा ये साइडों से पक चुका है बहुत अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हमें निकालना होगा बहुत ही हल्के हाथों से, और ये निकल जाएगा, क्योंकि जो आयरन का तवा है हमने इसे अब नॉन स्टिक तवा बना लिया है, तो ये आराम से निकल जाएगा इस तरीके से। निकल गया है देखो कितना अच्छे तरीके से, और ये हमारा मूंग दाल का चीला बन के रेडी हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे, उतार लेंगे। देखो कितना जालीदार बना है, कितना टेस्टी बना है, बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही यम्मी। तो प्लीज़ गाइज, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इस तरीके से हमने सारे मूंग दाल के चीले रेडी कर लिए हैं, और थोड़ी सी केचप के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। ज़रूर आप ट्राई करें, कैसी बनी मेरी डिश आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें गाइस। तो बहुत टेस्टी होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये, शाम में सुबह में नाश्ते में बहुत ज़्यादातर लोग खाते हैं, और अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल है।
तो प्लीज़ ट्राई करें। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफ़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।